Good day, everyone. Today, Deepika will conduct this session. Deepika will conduct on HTML. Deepika, now you can further proceed with this session. Thank you. सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस हाँ हो रही है और पूरी बड़ी हो रही है. ओके प्रॉपर वे में. ओके सर. सर करूँ स्टार्ट? हेलो. या प्लीज कीजिए, स्टार्ट कीजिए. ओके सर. तो आज का हमारा टॉपिक है HTML. सबसे पहले आता है व्हाट इज HTML. HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स. HTML एलिमेंट्स लेवल पीसेस ऑफ contents. Just this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. Next hamari aati hai history of HTML. Time Berners-Lee, a physicist at the Sun Research Institute in Switzerland, invented HTML in 1991. The first version consisted of 18 HTML tags. Now there are currently about 140 HTML tags, although not all of them are supported by modern browsers. The timelines of the HTML. First, जो हमारा version आया था वो हमारा 1991 में आया था. 1991 Time Berners-Lee invents HTML 1.0. Second, 1993 में आया था. 1993 HTML 1.0 is released. Not many developers are creating websites at this time. Third, हमारा 1995 में आया था. HTML 2.0 is published. This contains the features of HTML 1.0 plus new features. This remained the standard markup language for designing and creating websites until 1997. नेक्स्ट हमारा 1997 में 3.0 जो वर्जन था वो आया था. HTML 3.0 वाज इन्वेंटेड हियर. डेव रेजिट इंट्रोड्यूस अ फ्रेश ड्राफ्ट ऑन HTML व्हिच इंप्रूव्ड न्यू फीचर्स ऑफ HTML एंड गेव मोर पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबमास्टर्स इन डिजाइनिंग वेबसाइट्स. अनफॉर्चुनेटली द पावरफुल फीचर्स स्लो डाउन द ब्राउजर इन अप्लाइंग फर्दर इंप्रूवमेंट्स. नेक्स्ट जो आया था हमारा 4.0 वर्जन वो 1999 में आया था. दी वाइडली यूज HTML 4.0 कम्स आउट इट इज वेरी सक्सेसफुल. नेक्स्ट हमारा 2014 में आया था. HTML 5.0 इज रिलीज्ड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड. इट इज सेड टू बी द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTML 4.01 व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2012. नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ HTML. क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग टैग्स. Use graphics and display text in different font size and color. Next, enhance the presentation of the document using HTML elements. Create hyperlinks to navigate to different documents. Present on the web. Display data in a tabular format. Create multiple windows in a web page to display information from multiple sources in different window. उसके बाद हमारी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द HTML लैंग्वेज. फर्स्ट है इट इज द लैंग्वेज विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड कैन बी मॉडिफाइड. सेकंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी मेड विद द HTML विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स. थर्ड इट प्रोवाइड द मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलोंग विद द टेक्स्ट. Fourth is links can also be added to the web pages, so it helps the readers to browse the information of their interest. Fifth, you can display HTML document on any platform such as Macintosh, Windows, and Linux, etc. Sixth, graphics, videos, and sounds can also be added
to the web pages which gave an extra attractive look to your web pages. नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ HTML. HTML इज इजी टू लर्न एंड यूज. HTML इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. HTML इज फ्री. HTML इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स. HTML इज द मोस्ट फ्रेंडली सर्च इंजन. HTML इज सिंपल टू एडिट. HTML कैन इंटीग्रेट इजिली विद अदर लैंग्वेज. HTML इज लाइट वेट. HTML इज बेसिक ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. उसके बाद हमारे डिसएडवांटेजेस आते हैं. HTML कैन क्रिएट ओनली स्टैटिक एंड प्लेन पेजेस. सो इफ वी नीड डायनेमिक पेजेस देन HTML इज नॉट यूजफुल. आई नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कोड फॉर मेकिंग अ सिंपल वेब पेज. सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड एट HTML. इफ वी नीड टू राइट लॉन्ग कोड फॉर मेकिंग अ वेब पेज देन इट प्रोड्यूस सम कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट HTML बेसिक टैग्स लिस्ट. वैसे तो हमारे HTML में टोटल 140 टैग्स होते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 10 टैग्स एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहला आता है हमारा HTML. दिस इज द रूट एलिमेंट टैग. इट सॉरी designates that everything between these brackets contain HTML code. Second, hamara head aata hai. This tag distinguishes the head of the web page from the content. This is a where you put JavaScript code or give meta information about the website. Third, hamara title aata hai. Have you noticed that browser tabs contain text that give you an overview of the website? That text written as the site's title with this tag. नेक्स्ट हमारी बॉडी आती है. द बॉडी टैग स्पेसिफाई द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट. फिफ्थ हमारा H1 हेडिंग टैग आता है. दिस इज अ हेडिंग टैग व्हिच क्रिएट्स अ टाइटल बाय मेकिंग टेक्स्ट बिगर एंड मेकिंग इट बोल्ड. देयर आर 6 हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, H5, H6 इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइजेस. नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ P आता है, पैराग्राफ टैग. दिस टैग स्पेसिफाई दैट अ गिवन सेक्शन इज सपोज्ड टू बी इट्स ओन पैराग्राफ. ब्राउजर्स यूजुअली इंसर्ट ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स मेकिंग द टेक्स्ट इजियर टू रीड. नेक्स्ट सेवंथ हमारा A टैग आता है. दिस टैग लेट्स अ क्रिएट अ लिंक विद इट्स href एट्रीब्यूट लाइक सो. ए href www. कोई भी हम साइट डाल सकते हैं इसमें. नेक्स्ट हमारे इमेज टैग आता है. द इमेज टैग इज हाउ यू इंसर्ट इमेज इनटू अ वेब पेजेस. नेक्स्ट हमारा div आता है. div टैग्स ग्रुप मल्टीपल पीसेस ऑफ कंटेंट्स इनटू अ सिंगल कंटेनर व्हिच अलाउज यू टू डू थिंग्स लाइक अप्लाई सेपरेट स्टाइलिंग टू जस्ट दैट कंटेंट. लास्ट एंड टेंथ हमारा स्पैन आता है. स्पैन इज लाइक ए स्मॉलर वर्जन ऑफ डाइव यूज टू स्टाइल इंटरेक्ट विद इनलाइन कंटेंट. यू कुड एडजस्ट अ कपल ऑफ वर्ड्स टू पार्टिकुलर क्लास. स्पैन क्लास एंडोर्समेंट टेक्स्ट स्पैन विच अगेन इज ग्रेट फॉर स्टाइलिंग एंड मेकिंग द कंटेंट मोर रेस्पॉन्सिव. थैंक यू. अब मैं आपको इसमें कोड हम सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाते हैं. उस पे हम HTML एडिटर डालते हैं. मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको करते हैं. मैंने इसमें पहले से ही कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने टैग्स यूज किए हुए हैं. देखिए मैंने इसमें 25 टैग्स यूज किए हुए हैं.
मैंने सबसे पहले इसमें मार्क्यू टैग यूज किया है, जिसके मार्क्यू के अंदर मैं फरीदाबाद लिखा है, फिर मैंने मार्क्यू को क्लोज कर दिया। अब आप इसका आउटपुट देखिए, देखिए आई एम स्टडिंग GPW कॉलेज फरीदाबाद, ये मार्क्यू होके आ रहा है हमारा। उसके बाद मैंने हेडिंग ली है, मैंने H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग्स लिए हैं, ये देखिए सभी अलग अलग साइज में आ रही हैं। H1 हमारी सबसे बड़ा साइज होता है, उसके बाद सारे साइज डिक्रीज होते चले जाते हैं। उसके बाद मैंने पी पैराग्राफ टैग का यूज किया है, ये देखिए मेरा पैराग्राफ आ रहा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेट ऑफ मार्कअप सिंबल्स और कोड्स इंसर्टेड इनटू अ फाइल इंटेंट्स फॉर डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट, ये मेरा पैराग्राफ है। उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग का यूज किया है, स्ट्रॉन्ग टैग का, सॉरी उसके बाद मैंने सिंपल टेक्स्ट का यूज किया है, सिंपल, देखिए ये मेरा सिंपल आ रहा है। हियर इज माय फर्स्ट, ये सॉरी ये सिंपल टेक्स्ट ये आ रहा लिखा हुआ। उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग, दिस इज माय नोटबुक, ये हमारा जो वर्ड है वो बोल्ड होके आ रहे हैं, थोड़े मोटे होके आ रहे हैं। उसके बाद मैंने आई टैग का यूज किया है, जो कि हमारी वर्डों को इटैलिक कर देते हैं, इटैलिक तिरछा कर देते हैं। देखो हेलो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर डाला था हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यू टैग का यूज किया है, ये देखिए दिस इज माई पेन, यू हमारा अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने ईएम एम्बेडेड टैग का यूज किया है हेलो वर्ल्ड में, ये देखिए ये हमारा इसके नीचे आ रहा है, दिस इज माई फैन की पेन के नीचे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ये इटैलिक जैसा ही होता है, बस ये थोड़ा कम तिरछा होता है, वो ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने स्ट्राइक टैग का यूज किया है, स्ट्राइक टैग में देखिए स्ट्राइक टैग, जैसे हम कोई चीज कट करके नई चीज लिखना चाहते हैं, जैसे एड्रेस वगैरह डालते हैं तो वो पहले वाला भी दिखे और न्यू वाला भी दिखे, इसलिए इसमें बीच में थोड़ा कट आ जाता है, लाइन सी आ जाती है। उसके बाद मैंने मार्क टैग का यूज किया है, ये देखिए मार्क हमारे किसी भी चीज को हम मार्क करने के लिए, मतलब अलग से वो चीज दिखे, इसलिए मार्क टैग का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने पैराग्राफ यूज किया, उसमें अपना नाम डाला है, माय नेम इज दीपिका, उसे डिलीट करके मैंने इंसर्ट कराया दीप एंड इसे क्लोज कर दिया। ये देखिए माय नेम इज दीपिका को मैंने कट कर दिया और जो इंसर्ट कराया था वो ये आ रहा दीप। उसके बाद मैंने प्री टैग का यूज किया है, इसमें मैंने HTML हाइट 100px ये डाली है, ये देखिए ये आ रहा हमारा HTML हाइट। उसके बाद मैंने सब टैग का यूज किया है, जिसमें मैंने H पहले डाला है सबसे और 2 बाद में डाला है, ये देखिए ये आ रहा हमारा H2O।
उसके बाद मैंने स्मॉल स्मॉल टैग का यूज किया है। एचआर में हम लाइन लिखते हैं, हमारा लाइन के लिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है एचआर टैग। उसके बाद मैंने स्मॉल टैग का यूज किया है, स्मॉल टैग ये माय हॉबीज हमारे स्मॉल टैग है, हम छोटे वर्ड जो आते हैं हमारे वो स्मॉल में आते हैं। उसके बाद मैंने बिग टैग का यूज किया है। ये देखिए माय हॉबीज अब बड़े में आ रहा है, बिग में आ रहा है। उसके बाद मैंने स्पैन टैग का यूज किया है, जिसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करा है मैंने। ये देखिए हेलो वर्ड का मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया अलग से दिखे ताकि। उसके बाद मैंने ब्लॉक क्यूट का यूज टैग का यूज किया है। इसमें हमारा कंटेक्स्ट टेक्स्ट आ रहा है, एचटीएमएल लिए मैंने पैराग्राफ में लिखा है। ये थे हमारे 25 टैग्स जो कि मैंने यूज करे थे। अब मैंने एक और ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, एचटीएमएल एडिटर ये है, वो भी फ्री कोडिंग ऐप है। ये मेरी HTML एडिटर एंड राइटर फ्री कोडिंग ऐप है, जिसमें इसमें हम इमेज ऑडियो वीडियो सब एडिट करा सकते हैं। मैंने इसके अंदर सबसे पहले इमेज एडिट करा के देखी थी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पहले से इमेज की कोडिंग की हुई है, ये देखिए मैंने इसके अंदर इमेज एडिट कराई हुई है। इमेज टैग का यूज करके सबसे पहले हम HTML डालते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल। टाइटल में हम इमेज डालेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी ओपन करेंगे, देन इमेज में हम जहाँ पे हमारी इमेज है वहाँ की हम एड्रेस डालते हैं, इसमें वहां से कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हाइट और विड्थ दे दी इसको हमने, और फिर हमारा इमेज आ जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ऑडियो और ऑडियो एडिट कराई है HTML पेज के अंदर। ये देखिए ये मैंने ऑडियो इसमें एडिट कराई है। सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML डालते, फिर HTML ओपन करते हैं, फिर हेड ओपन करते हैं, फिर टाइटल में मैंने ऑडियो डाला है, देन फिर हेड को क्लोज किया, बॉडी ओपन किए, ऑडियो फिर मैंने सोर्स के अंदर इसमें जहाँ पे हमारी ऑडियो है वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी, देन मैंने ऑडियो क्लोज कर दी, बॉडी भी क्लोज कर दी और HTML। अब देखिए आप मेरी ऑडियो देखिए, ये आ गई मेरी ऑडियो, देन ये प्ले भी होती है। तो मैं आपको ऑडियो दिखा रही थी, हमारी ऑडियो प्ले हो जाती है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था।
इसके बाद मैंने वीडियो वीडियो एडिट कराई है इसके अंदर, ये देखिए ये मेरी वीडियो, मैंने इसमें डॉक टाइप एचटीएमएल डाला, उसके बाद हेड टाइटल में वीडियो डाला, बॉडी ओपन किया, हेड को क्लोज किया, फिर मैंने वीडियो डाला, वीडियो में मैंने विड्थ डाली इसको डाली और हाइट डाली, सोर्स में मैंने जहाँ पे मेरी वीडियो है मैंने उसका एड्रेस डाला, पेस्ट कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, देन मैंने वीडियो को क्लोज किया, बॉडी को भी और एचटीएमएल को। अब देखिए मेरी वीडियो, देखिए ये मेरी वीडियो आ गई, देन मैं आपको प्ले करके भी दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें कैलकुलेटर बनाया, देखिए देखिए ये हमारा कैलकुलेटर है, मैंने कैलकुलेटर बनाया इसमें, देखिए मैं कोई भी इसमें कुछ भी डालती हूँ, जैसे कि मैंने 23 प्लस में 45 डाला, अब देखिए ये हमारा कैलकुलेट होके 68 आ गया, तो मेरा कैलकुलेटर भी प्ले हो रहा है, मेरी हर चीज प्ले हो रही है इसमें। मैंने इसमें सोशल मीडिया जो आइकन्स आते हैं हमारे, सोशल मीडिया आइकन्स जो आते हैं वो भी एडिट कराए मैंने इसके अंदर, देखिए देखिए ये फेसबुक का आ रहा है और ये ट्विटर का आ रहा है हमारा, मैंने इसके अंदर दो आइकन्स को एडिट कराया था, फेसबुक का और ट्विटर का, मेरे दोनों आइकन्स इसके अंदर आ गए हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू दीपिका, काफी आपने बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये भी है कि आपने सब चला भी रखा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सेशन।